सभी सियासी दलों को चुनाव लड़ना और जीतने की बीजेपी की इच्छा शक्ति से सबक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मतभेदों के बावजूद बीजेपी आलाकमान अगले विधानसभा चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब उन सीटों पर कब्जा करने की योजना बना रही है जिन सीटों पर उसे कभी जीत ही नहीं मिली। पार्टी को कुल 78 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था जिसमें से इस तरह की करीब 60 सीटें हैं। इस बार इन सीटों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहली वो सीटें जहां जीत की संभावना है, दूसरी श्रेणी में उन सीटों को रखा गया है जहां पर मेहनत कर जीत हासिल की जा सकती है और तीसरी कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जहां जमीन तैयार करने की जरूरत है ताकि आगे के चुनावों में संभावना बन सके। इसके अलावा बीजेपी अपनी 15 प्रमुखों की सेना के दम पर किसी भी बड़ी से बड़ी पार्टी को पानी पिलाने का दम खम रखती है। चुनाव में सबसे बड़ी समस्या उदासीन होते मतदाताओं को मना पटा कर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की है। वोटर लिस्ट के हर पन्ने में करीब 30 मतदाता होते हैं। ऐसे में बीजेपी यूपी में करीब 10 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की योजना पर काम कर रही है। जाहिर है 14 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से 3 करोड़ मतदाताओं पर सीधे सीधे नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों के जरिए उन्हें पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कमजोरियों और हिंदुत्व की विचारधारा पर कंटेंट परोसा जा रहा है। 25 सितंबर तक देश के 1,63,000 से ज्यादा बूथों पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिए गए हैं। हर एक ग्रुप में कम से कम 100 मेंबर बनाए जा रहे हैं। मंडल और जिला स्तरों पर भी सोशल मीडिया टीम खड़ी कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी योगी सरकार पर कार्टून बनाने वालों, कार्टूनिस्टों पर कहर ढाने वाली बीजेपी सरकार चुनाव जीतने के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम से कार्टूनिस्टों और मीम्स तैयार करने वाले भी जोड़ रही है। बीजेपी का टारगेट यूपी का 50% वोटर है। इसके लिए जातिवादी गठबंधन तैयार करने में भी लगी हुई है। निषाद पार्टी से गठबंधन हो गया है, अपना दल को मना लिया गया है और भी कई छोटे दलों को भी मनाया बहलाया जा रहा है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में प्रदेश के दलित पिछड़े चेहरे शामिल किए गए हैं जबकि योगी सरकार के 24 मंत्रियों में से 12 ब्राह्मण और ठाकुर हैं। चुनाव से ठीक पहले 17 पिछड़ी जातियों को भी ओबीसी में शामिल करके लॉलीपॉप पकड़ाने की योजना है और इसके बाद पार्टी चेहरा बदलने का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की तैयारी में है। समझा जा रहा है कि वर्तमान विधायकों की लोकप्रियता और काम का गोपनीय सर्वेक्षण करवा लिया गया है और हर दूसरे विधायक का पत्ता काटने की योजना है। इसके अलावा बीजेपी के पास हिंदुत्व का एक सुपर ब्रह्मास्त्र है जिसे चलाने के लिए मुसलमानों का नाम भर लेना काफी है। कर्नाटक के सांसद और बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या उग्र हिंदुत्व का माहौल बनाने यूपी पहुंच रहे हैं। वहीं 5 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक दिन तो सिद्धू के इस्तीफे की वजह से बर्बाद हो गया। प्रियंका ने सारी बैठकें रद्द कर दी थी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत सभी नेताओं को लौटना पड़ा। बहरहाल नवरात्रि से कांग्रेस प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा करने की तैयारी में है। ये प्रतिज्ञा यात्रा हर जिले और मंडल से होकर गुजरेगी और प्रियंका हर मंडल में जनसभा करेंगी। प्रियंका गांधी 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से इस यात्रा का आगाज करेंगी। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर लखनऊ में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। हालांकि कांग्रेस भी सोशल मीडिया से प्रचार के मामले में बीजेपी की नकल की कोशिश में है लेकिन बीजेपी से कांग्रेस कोसों पीछे है जबकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों और विचारधाराओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार के दम पर चुनाव जीतती रही है लेकिन पार्टी के पास ना तो पैसा है ना ही कार्यकर्ता और ना ही प्रचार की आधुनिक तरकीबों के जानकार ही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव अब मुस्लिम वोटरों को अपने साथ मना कर चल रही हैं और अब वो दूसरी पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश में हैं। इसके लिए वो छोटी छोटी जातियों के नेताओं और उनकी पार्टियों के साथ गठबंधन या तालमेल कर रहे हैं। वहीं बीएसपी से मोहभंग के कारण छिटके हुए नेताओं जैसे लालाजी वर्मा, राम अचल राजभर और आरएस कुशवाहा को साथ लेने के लिए बातचीत जारी है। केशव प्रसाद मौर्य की मिसाल देकर बताया जा रहा है
कि ओबीसी का चेहरा दिखाकर अगड़ों की पार्टी बीजेपी पिछड़ों के वोट भर लेती है, लेकिन उनको उनका हक भी नहीं देती है। वहीं चाचा भतीजा के बीच फिर मतभेद सुलगता नजर आ रहा है। प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव से गठबंधन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है। ऐसे में बीजेपी की चुनावी तैयारियों ने सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीएस।